फिर से एक बार सभी दर्शकों का हम खैर मकदम करते हैं कारगिल टुडे में। इस समय हम ठीक हज कमेटी ऑफिस यानी कि बरू में हमारी टीम मौजूद है। अब से थोड़ी देर बाद उद्घाटन की जाएगी ऑफिशियली इस ऑफिस का लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख बीडी मिश्रा के हाथों और उनके हमरा हिस एमिनेंस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अकाए महदी मेहदीपुर चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC काउंसिल कारगिल MP लद्दाख जमयांग सेरिंग नमग्याल और उनके हमरा चेयरपर्सन हज कमेटी अली मजाज और काफ़ी तादाद में बड़ी डिग्निटरीज जो है आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मैं थोड़ा बहुत कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले थोड़ा बहुत हज कमेटी ऑफिस का थोड़ा बहुत दर्श यानी कि हमारे दर्शकों तक पहुँचाए। इससे पहले भी मैंने जो है विजुअल जो है हज कमेटी ऑफिस के अंदर से दृश्य आपको दिखाने की मैंने कोशिश की थी। उसके बाद एक छोटा सा समारोह यहाँ हज कमेटी ऑफिस को लेके यहाँ की जाएगी और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि बराबर विजुअल्स जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुँचे। आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ। चेयरपर्सन साहब चलिए आप बैठिए। मैं कोशिश करूंगा, मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ कैंप लगा दें। कैंप तो होता है सर, लेकिन किसी वक्त बीच में कैंप में भी बहुत प्रॉब्लम, अभी किसी को भी हो जाता है। उमरा के लिए भी जाना है, उमरा भी जाना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत खुशी है और खुशी इतनी क्यों है, क्योंकि पहले एक लॉटरी सिस्टम होता था। यहाँ के हमारे लोग कहते थे कि हमको जाना है
तो फिर कहीं जाएंगे वहाँ लॉटरी होगा, और लॉटरी में किसका नाम आया वो तो खुश है, लेकिन कई लोगों का नाम नहीं भी आता था। अभी यहाँ हमारे यहाँ पूरी सुविधाएँ हो गई हैं, सब फैसिलिटी है, यहीं पर पासपोर्ट बन गया, यहाँ पर उनकी एक कमेटी बन गई, हमारा एक ऑफिस बन गया और सबको इसमें जाने का मौका मिला। तो ऐसा पहली बार कहीं पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि जितने लोगों ने एप्लीकेशन दी किसी भी स्टेट में, 28 स्टेट हैं, 8 हमारे यहाँ यूनिटेड हैं, कि जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया सब जा रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। हमको बहुत खुशी है सर। पासपोर्ट ऑफिस को लेके जो दिल्ली ना मांग है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं इसके लिए पूरा भरसक कोशिश करूँगा और मैं समझता हूँ कि हमारी हमारी बात सुनी जाती है दिल्ली में, तो हमको उम्मीद है कि वह होगा। हजारों की तादाद में लोग यहाँ से बाहर टूर के लिए जाते हैं और खासकर ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो इस ज़मीन में कारगिल एयरपोर्ट का बनना भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके कारगिल एयरपोर्ट में कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ भी एयरपोर्ट बने उसमें जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती हैं वो सबसे ज़रूरी होती हैं, तो उस पर भी हम कर रहे हैं। अभी हमारे एयरफोर्स का लैंडिंग, एयरफोर्स का फिर से सर्विस शुरू हो गया है, सब कवर होंगे, इस पर मेरा ध्यान है, लेकिन हमको टेक्निकल एडवाइस पर जाना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि ये सहूलियतें हमारे अवाम को यहाँ मिलें। सर, लद्दाख के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आउट ऑफ द वे जाके बहुत सारे व्हीकल्स प्रोक्योर हुए हैं, हालांकि उनके लिए ड्राइवर बहुत कम है, ड्राइवर नहीं है, तो क्यों प्रोक्योर किया इतना सारी गाड़ियाँ और ड्राइवर के लिए आप क्या कर रहे हो? देखिए जहाँ तक हमारे यहाँ जो प्रोक्योरमेंट हो गया है जो ड्राइवर का है, मैं तो इसमें ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट हम नींद रखें और हम एक ऐसा करें कि गाड़ियाँ हम दे दें और हम किसी से कोऑर्डिनेशन कर लें और वो लोग इसको चलाएं, और हम उससे ये कहें कि भाई हमको कुछ मत दो, हम पैसे नहीं लेंगे आपसे, लेकिन सुविधा हो आवाम को, कोई ऐसा ना हो कि गाड़ी न चले। हम इसके बारे में कोशिश कर रहे हैं और स्कूलों के लिए या कहीं के लिए भी बेस्ट यही होगा कि हम किसी को आउटसोर्स कर दें, वो चलाए, हमको 100% सर्विस मिले। सर, आपने बार बार डिले फ्री और करप्शन फ्री का नारा दिया है, तो इसके ऊपर किस तरह की एक्शन आने वाले वक्त में देखने को? मैं वाकई दिल से और अपने इरादे से चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाने के पहले करप्शन और डिले फ्री लद्दाख को करके जाऊँ, लेकिन इसमें सिर्फ हमारा ही प्रयास नहीं काम करेगा, आप लोगों का। कहीं पर करप्शन होता है आप हमको बताइए, मैं तुरंत इंक्वायरी ऑर्डर करूँगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई करप्शन हो या डिले हो। डिले भी एक तरीके का करप्शन है, तो ये इसको मैं दूर करना चाहता हूँ, इसमें आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। सर, लद्दाख मुलाजमीन को और खासकर जो रिटायरमेंट मुलाजिम है उनको राशन कार्ड से बाहर कर दिया गया है? नहीं, हमको इसके बारे में पता करना पड़ेगा, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन आए हैं, क्योंकि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करते हैं, मैं ये पता करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या डायरेक्शन है, हमको वो फॉलो करना पड़ता है, आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं हैं, हम काम करते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे। हम लद्दाख में बना है, देखिए मैं इसके बारे में और पता करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि हम कोई, मैं तो ये चाहता हूं कि आवाम को जितनी सुविधाएं सहूलतें दी जाएं वो अच्छा है, क्योंकि हम इसी के लिए यहां बैठे हैं, हम तो आपके लिए बैठे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं करते, हम आपके लिए करेंगे। तो मैं हमेशा कोशिश ये करूँगा कि मेरे हाथ से, मेरी कलम से आवाम को जो भी फ़ायदा हो मैं करूँगा। थैंक यू सर। कोशिश की थी हमने अपने तरफ से आज के इस उद्घाटन समारोह को लेकर, जिसमें आज के मेहमान खसूसी चीफ गेस्ट यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख बी डी मिश्रा सर, व उनके हमरा हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए महदी महदवीपुर जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आज के इस हज कमेटी हाउस इनोग्रेशन सेरेमनी पे मौजूद थे, और उनके हमरा बड़ी तादाद में काफ़ी हायर डिग्निटरीज VVIPs ने भी आज के इस इवेंट में आज के इस मौके पर शिरकत की है। तो दर्शकों, खत्ते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, कैमरा लाइन पर जुड़े हुए लियाकत अली साबरी और मैं हुसैन खालू, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल कारगिल टुडे, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस, लाइक अस ऑन फेसबुक एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।
Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.